नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिजनौर में एक हेड कांस्टेबल का शव पेड़ पर लटका मिला। बिजनौर के शेरकोट में तैनात एक हेड कांस्टेबल का शव अफजलगढ़ कालागढ़ मार्ग स्थित राधेलाल डिग्री कॉलेज के समीप एक बाग में रस्सी के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक एसपी पूर्वी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार राहुल खोकर उम्र 37 वर्ष पुत्र हरवीर सिंह शेरकोट थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जो पूर्व में अफजलगढ़ भी रहा था। वह बच्चों की पढ़ाई के चलते थाने में बने आवासों में रह रहा था। वहीं बुधवार की शाम शेरकोट थाने से दिन में ड्यूटी करके अफजलगढ़ घर चला गया था। वहीं बुधवार देर रात 1:30 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो प्रीति पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन निकलवाई और लोकेशन पर पहुंचकर देखा। इस दौरान उसका शव कालागढ़ मार्ग स्थित एक बाग में प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका मिला। बिजनौर से सैफ मंजूरी की रिपोर्ट। मैं धर्म सिंह मारथाल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर, अवगत कराना है कि थाना शेरकोट पर तैनात मुख्य आरक्षी राहुल कुमार, जो अपने परिजनों के साथ थाना अफजलगढ़ के सरकारी आवास में रहता था, कल दिनांक 22 तारीख को उसकी ड्यूटी शेरकोट के बैरियर में लगी हुई थी। बात समाप्त ड्यूटी वो अपने घर नहीं पहुंचा तो 1:30 बजे उसके परिजनों द्वारा थाना शेरकोट को सूचना दी गई। उसका पति बात समाप्त ड्यूटी अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो सुबह के गए हुए थे। इस सूचना पर उसके मोबाइल के आधार पर उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। लोकेशन थाना अफजलगढ़ से 2 किलोमीटर आगे कालागढ़ रोड पर आम के बगीचे में पाया गया। तो वहाँ पुलिस पहुंची तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। फिर यूनिट को बुला के मौके की जांच कराई गई। प्रथम दृष्टया देखने में सुसाइड प्रतीत हो रहा है। परिजनों द्वारा और थाने के उनके साथी कर्मचारियों से पूछताछ पर यह बात संज्ञान में आया कि वो पिछले 1 वर्ष से मानसिक रूप से परेशान रहता था, इससे बातचीत नहीं करता था। उसका इलाज भी सफदरगंज हॉस्पिटल से चल रहा था। तो डेड बॉडी को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की विधि कार्य प्रचलित है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।